दिनों मथुरा में एक बेटी पर बाप की दरिंदगी का मामला सामने आया था, जहां एक कलयुगी बाप ने उसकी बेटी, पति और उसकी मासूम बेटी पर एसिड से हमला कर दिया था और मौके से फरार हो गया था। पीड़ित का अस्पताल में उपचार चल रहा था, जहां उसकी हालत को देखते हुए उसे आगरा रेफर किया गया, लेकिन अब पीड़ित को उसके आरोपी पिता की तरफ से धमकी दी जा रही है, जिससे पीड़ित पलायन को मजबूर है। दरअसल पीड़ित ने अपने पिता पर लड़कियों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसके पिता ने इस वारदात को अंजाम दिया था। अब पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई ना होता देख पीड़ित पलायन को मजबूर है और थर थर की ठोकर खा रही है। तो मेरे ससुर साहब आए रात को 3 बजे के लमसम, तो इस पे गेट खुलवाया, कसू ने गेट खोला, तुरंत तेजाब मार के तुरंत भाग गया। मेरे ऊपर तेजाब इसलिए डरा उसने, चौंके मैं इसका पति हूँ, इसकी अगर मदद कर रहा हूँ, मैं सास की अपनी की मदद कर रहा था।